नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशा का किचन में। आज मैंने बनाए हैं नमक पारे, जिसे हमारे बिहार में निमकी कहते हैं, और ये छोटी मोटी भूख के लिए, शाम के नाश्ते के लिए परफेक्ट आइटम है। तो आइए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। नमक पारे बनाने के लिए 250 ग्राम मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया है अच्छी तरह से। इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल कम ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। मोइन करने के लिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 छोटे चम्मच घी डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी मोइन कर सकते हैं, लेकिन घी से मोइन करने से नमक पारे का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब अच्छी तरह से हम लोग दोनों हाथों से मसल के मोइन कर लेंगे, जब तक कि मैदा हमारा मुलायम ना हो जाए। मैदे को अच्छी तरह से मोइन करना जरूरी है। अब इसे हम लोग बाइंड करके देखेंगे, अगर बाइंड हो रहा है इसका मतलब हमारा मैदा मोइन हो चुका है। अब इसे हम लोग गूथ लेंगे। गूथने के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गूथेंगे। इसको हमको बहुत सॉफ्ट नहीं गूथना है, थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे, थोड़ा सा सख्त डो रखेंगे। अच्छी तरह से मसल के मैंने गूथ लिया है, आप देख पा रहे होंगे डो हमारा सख्त है। अब इसे हम लोग 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। इससे हम लोग को बेलते वक्त दिक्कत नहीं होगा, मैदा जो सिकुड़ने लगता है बेलने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 मिनट हो चुका है, अब हम लोग एक बार और डो को मसल लेंगे। मसलने के बाद इसे हम लोग रोलिंग बोर्ड पे ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें से मैं इक्वल बराबर 4 पार्ट करूंगी, 4 पेड़ा बनाऊंगी, ताकि जो हमारे नमक पारे हैं कोई मोटा कोई पतला ना बने, सेम ही बने। एक चाकू के सहारे कट कर लेंगे। आप इसे चाहें तो बना के महीने भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। कहीं सफर में भी आप आ रहे जा रहे हैं तो लेके जा सकते हैं। 4 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, बाकी के 3 पेड़े जो है उसे फिर से हम लोग गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, ताकि ये रूखा ना हो। और 1 पेड़े को हाथों के सहारे दबा दबा के पतला कर लेंगे और इसे हम लोग बेलेंगे। बेलने के लिए हमें मैदा, रिफाइन ऑयल, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे हम लोग को ऐसे ही बेलना है। हमने इसमें मोइन दिया है तो इजली इसको हम लोग बेल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से हम लोग रोटी चपाती बेलते हैं ठीक उसी तरह से बेलेंगे। इसको बस दोनों तरफ से अलट पलट के बेलना है। रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, बहुत पतला नहीं बेलेंगे। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मोटा है। अब इसे हम लोग रोलिंग बोर्ड पे बेलन के सहारे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, ताकि जब इसे हम लोग कट करें तो इजिली कट हो जाए। चाकू के सहारे बीचों बीच से सीधा लाइन खींच देंगे। कोशिश करें कि जो आप कट कर रहे हैं वो लाइन जो हो बिल्कुल सीधी हो। आप चाहें तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी डिजाइन से बना सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह मार्केट में मिलता है उसी तरह बनाया है। एक तरफ से हमने कट कर लिया है, अब इसके दूसरी साइड से कट करेंगे। आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बर्फी के जैसे कट किया है। देख पा रहे होंगे आप वीडियो में, इसी तरह से कट करना है। ये सबसे सिंपल तरीका है नमक पारे बनाने का। एक और तरीका मैं आपको बता दूंगी, आपको जो भी पसंद हो, जो भी इजी लगे आप बना सकते हैं। चाकू के सहारे रोलिंग बोर्ड से हम लोग नमक पारे को इस तरह से उठा लेंगे। अभी ये चिपका हुआ है, लेकिन जब भी हम इस तेल में फ्राई करेंगे तो अपने आप ये अलग हो जाते हैं। आप छोटा बड़ा अपने पसंद अनुसार कर सकते हैं। मैंने एक प्लेट में न्यूज़पेपर रख दिया है। अब इस पे हम लोग नमक पारे डाल देंगे। इससे जो हमने मोइन दिया है, अगर एक्स्ट्रा घी रिफाइन होगा तो पेपर ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और इसे हम लोग ऐसे 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि ये रूखा हो जाए। दूसरा पेड़ा हमने बेल लिया है, इस पे हम लोग घी अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा घी अप्लाई नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने इसमें घी का मोइन दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और इस पे थोड़ा सा मैदा छीट के मिला लेंगे अच्छी तरह से, और इसे हम लोग फोल्ड करेंगे। जिस तरह से स्क्वायर पराठा हम लोग बनाते हैं उसी तरह से फोल्ड करना है। एक तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया है, उस पर फिर से घी अप्लाई करेंगे, फिर से मैदा छीट के मिक्स कर लेंगे। दूसरे किनारे से भी उसी तरह फोल्ड करेंगे और उस पर भी घी अप्लाई करके थोड़ा सा मैदा छीट के उसको भी मिला के अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे।
फोल्ड करने का तरीका आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ठीक इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। इसे आप लेयर वाले नमक पारे भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मोटा रहेगा, नमक वाले लेयर पारे बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसे हम लोग जो एक्स्ट्रा मैदा है हटा लेंगे रोलिंग बोर्ड से। अब इसे स्क्वायर शेप में ही बेलने का कोशिश करेंगे। इसको भी हमें चारों तरफ से अलट पलट के ही बेलना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसका कट करके हटा लेंगे ताकि जो इसका शेप है अच्छी तरह से दिखे। अब मैं इसको पतले पतले आकारों में सीधे सीधे कट कर रही हूँ। अब इसे बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हैं। मैंने पहले इसे सीधे कट करके इसको तीन हिस्से में कट करूंगी इस तरह से। ये बहुत ही इजी स्टेप है, आपको जो भी इजी लगे आप बना सकते हैं। स्वाद एक जैसा ही रहेगा, बस डिजाइन अलग है। इसे भी हम लोग न्यूज़पेपर पे रख देंगे और बाकी के नमक पारे भी इसी तरह से बेल के कट कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। रिफाइंड ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है और मीडियम ही गर्म करना है। बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं करेंगे वरना नमक पारे हमारे जल जाएंगे। इसमें हम लोग पहले रिफाइंड ऑयल को चेक कर लेंगे। नमक पारे फूल के ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब कि रिफाइंड ऑयल गर्म है। अब इसमें हम लोग नमक पारे डालेंगे। एक साथ आप जितना छान सकते हैं उतना ही डालें और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे और पलटे के सहारे इसको पलटते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वल फ्राई हो और एक जैसा ही कलर आए। कलर आ चुका है, हमारे नमक पारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरा बैच भी हम लोग फ्राई करेंगे। अगर आपको कहीं लगे कि टेम्परेचर लो हो रहा है तो आप फ्लेम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। इससे हमारे नमक पारे में बहुत ही ज्यादा खस्तापन आता है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम लोग इसे भी निकाल लेंगे और ठीक इसी तरह से सारे नमक पारे हम लोग फ्राई कर लेंगे। सारे के सारे नमक पारे हमने फ्राई कर लिए हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।